स्टूडेंट्स, अगेन हमने लास्ट क्लास हमने क्या किया था, लिमिटिंग रिएजेंट किया था एंड एक्सेस रिएजेंट. आपको मैंने केसेस बताए थे कि हमें अब जो क्वेश्चन मिलेंगे वो केमिकल रिएक्शन के ऊपर बेस्ड मिलेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि अब गिवन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना फॉर्म किया जा सकता है. मतलब इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे भी थे. अब फंडा ये है बेटा कि अब आपको मैंने ये सब चीज सिखा तो दी है, पॉइंट है तो आपको आना भी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट बात होती है. ठीक है, तो नाउ हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है, ताकि आपको लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको क्वेश्चंस में देता हूं. ठीक है, क्वेश्चंस इस तरीके से रहेंगे, 5 मोल्स ऑफ SO2 एंड 5 मोल्स ऑफ O2 आर एंड 5 मोल्स ऑफ O2 आर 5 मोल्स ऑफ SO2 एंड 5 मोल्स ऑफ O2 आर रिएक्टिंग विद ईच अदर are reacting with each other to form SO3. Determine LR weight of ER left and amount of SO3 and amount of SO3 form. चलो बेटा ध्यान से समझो. ठीक है कि SO2 SO3 वगैरह में, ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या दिया जाए, क्वेश्चन दिया हुआ आपको रिएक्शन लिखना है. सबसे पहले SO2 plus O2 tends to give SO3. देखो, एक तो ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. आपको मैंने हमेशा पहले बोला, हमेशा स्केलेटन रिएक्शन लिखिए, उसके बाद उस रिएक्शन को बैलेंस करिए. क्या ये बैलेंस रिएक्शन है? नहीं है. तो अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं और मैं इसको इस तरीके से कर दूं, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया. और आपको मैंने पहले बोला, रिएक्शन आप दो ही तरीके से बैलेंस कर सकते हो, या तो हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करिए, या तो आप एक काम करिए, वो जो आपको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म जो बताया था XYZ मान के जा, तो उस तरीके से कर सकते हैं. बट यहाँ पे जरूरत है नहीं, क्योंकि छोटा रिएक्शन है तो हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं. अब उसने क्या बोला, 5 मोल ये दिया हुआ, 5 मोल O2 दिया हुआ. अब आपको मैंने जब भी बोला कि जब दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाए, जब दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास चॉइसेस रहते हैं. ठीक है, कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग एजेंट होगा. लिमिटिंग एजेंट डिसाइड करने का तरीका मैंने क्या बताया था, आप एक बार अपने मन में डिवाइड कर लो, 5 / 2 और 5 / 1, तो इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी, ऑब्वियस सी बात है, तो ये मेरे लिए LR हो जाएगा और ये मेरे लिए ER हो जाएगा. तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होंगी. ठीक है, ये आपको सिर्फ तरीका बताया मैंने क्या लिमिटिंग एजेंट फाइंड आउट करने का. ठीक है, पहले बच्चों ध्यान से समझो. अब ये क्या पूछा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ ईयर लेफ्ट, तो इसका तरीका क्या है, टोटल 5 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे. तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इसका, और आपको निकालना किससे, क्योंकि डिसाइड तो LR ही करेगा, तो आपको इसी के थ्रू निकालना है. तो LR का स्टोइकोमेट्रिक कितना है, 2, और इसके LR के मोल्स (5), और टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो दैट्स नथिंग बट 2.5. तो ये क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ ईयर लेफ्ट. तो ठीक है, अब क्योंकि ये रेशियो सेम है, तो इसके मोल्स SO3 के फॉर्म कितने होंगे, 5 होंगे. तो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे. तो मैं बोल सकता हूँ वेट ऑफ ईयर लेफ्ट कितना होगा, वेट ऑफ ईयर लेफ्ट मोल्स आपके पास कितने हैं, मोल्स है आपके पास 2.5 into 32, मतलब 80 ग्राम हो जाएगा. ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेट ऑफ SO3 फॉर्म, वेट ऑफ SO3 फॉर्म कितना होगा, आपके पास मोल्स कितने हैं, 5 है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 16 / 48 = 32 / 80. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 400 ग्राम. आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि आप मुझे भैया वो वेट बताओ जो रिएक्ट नहीं किया होगा O2 का, तो ऑब्वियस बात है वो वेट कौन सा होगा, 80 ग्राम वेट O2 का रिएक्ट नहीं किया है. तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी. ठीक है बेटा,
अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, हर एक के बारे में जो मैं आपको रिएक्टेंट के मोल्स दूंगा, अभी मैं बहुत सारे रिएक्शन लिखूंगा, आपको क्या करना होगा, आपको प्रोडक्ट के वेट निकालने हैं सारे, ठीक है। तो पहले आपको क्या, पहला काम आपका क्या होगा, पहले आपको रिएक्टेंट डिसाइड करना पड़ेगा, इन दोनों दो रिएक्टेंट में से अलग कौन सा होगा, और उसके हेल्प के थ्रू आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट निकालना होगा। तो मैं रिएक्टेंट रिएक्शन लिखे जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है I2+Cl2, तो ये हो रहा है ICl+ICl3, ठीक है। इसके मैं आपको वेट दे रहा हूं 25.4 ग्राम, और ये कितना है 14.2 ग्राम, क्योंकि आपको चीजें हर चीज मोल्स में करनी है, इसलिए आपको मोल्स में ही करना है इन सब क्वेश्चंस को, ठीक है। और करना क्या, आपको सबके प्रोडक्ट के वेट निकालना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका BaCl2 plus Na3PO4 tends to give, आपको देगा Ba3PO4 twice plus, और क्या देगा NaCl। थोड़ा बट जगह छोड़ के लिखे क्योंकि आपको, क्योंकि मैं अनबैलेंस दे रहा हूँ, आपको बैलेंस करके सबके वेट निकालने प्रोडक्ट के, ठीक है। इसमें मैं आपको मोल्स दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मोल्स, इसका मोल 0.5 और इसका मोल्स आपको दिया हुआ है 0.2, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, Fe2+O2 tends to give Fe2O3 plus SO3। ओके, आपको मैं इसके क्या दे रहा हूँ, वेट दे रहा हूँ, इसका वेट हो जाएगा 600 ग्राम और इसका वेट हो जाएगा 800 ग्राम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरा Mg+N2 Mg3N2। याद रखिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है, कोई भी नाइट्रोजन गैस अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्राइड फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जो दे रहा हूँ वो है 72 ग्राम और ये हो जाएगा 56 ग्राम। देखो आपको काम है, फिर से मैं हर बार बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करिए, पहले अटेंड करिए, भले टाइम लगने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, पहले खुद से करने की, सॉल्व करने की कोशिश करिए, सीखिए, लेकिन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्यूशन तो मैं बता ही दूंगा, इससे क्या होता है, बहुत सारे बच्चों की मैंने आदत देखी ऑनलाइन में, क्या होता है वो सिर्फ मैं जैसे जैसे बताता हूँ वो उतारते जाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप डायरेक्ट ऐसे उतारोगे तो नो यूज, ऑनलाइन का फिर मतलब भी क्या। आप फील करिए कि आप क्लास में है, मैंने क्वेश्चन लिखा है आपको, बाय ईमानदारी आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने हैं, भले आपको 10 मिनट लगने दीजिए, कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारे पास 2 घंटे का सेशन है, लेक्चर हमारा 1 घंटे का, तो 1 घंटा जो आपको मिलता है वो किस लिए मिलता है, ताकि आप थोड़ा टाइम भी लीजिए, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ईमानदारी से पहले वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, उसके बाद सॉल्व करिए, ठीक है। चलो मैं आप सॉल्यूशन बता रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। तो आप सबको एक काम करो, सबको मैं मोल्स में कन्वर्ट, 254 250, इसका 127 मॉलिक्यूलर वेट होता है आयोडीन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 3071, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। अब तो ये होगा, लेकिन देखो मैंने गलती कर दी, मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया। सबसे पहले आप बैलेंस करिए, आयोडीन बैलेंस है, अगर 2 क्लोरीन यहाँ पे कर दो तो आप बैलेंस हो गए। हाँ, अब बताओ इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, 0.1 divided by 1, ये भी 0.1 दे रहा है, 0.2 divided by 2, ये भी क्या दे रहा है 0.1, इसका मतलब दोनों के दोनों मेरे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, दोनों के दोनों मेरे पास क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब आप चाहे इससे निकालो या इससे निकालो, आंसर आपका सेम ही आएगा। मतलब अब मैं देखो यहाँ पे ज्यादा लफड़ा नहीं, क्योंकि 2 by 1 1 by 2 into 0.2, तो भी 0.1, 1 by 2 0.2 into 0.2, वो भी तभी 0.1, या क्योंकि ये रेशियो सेम है, इसका भी 0.1 आएगा, इसका भी 0.1 आएगा। तो मैं मोल्स निकाल के छोड़ रहा हूँ, आपका काम ये रहेगा मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके दोनों का वेट निकालना सबका, मैं सिर्फ मोल्स तक ही निकालूंगा, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करो। तो मैं इतना मानता हूँ आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर चुके होंगे,
ठीक है, तो ये मेरा बैलेंसिंग हो गया। अब लिमिटिंग एज फाइंड आउट करें, 0.2 डिवाइडेड बाय 2 0.1 होता है, 0.5 डिवाइडेड बाय 3 तो मेरे हिसाब से 1 से ज्यादा होगा, तो लिमिटिंग एज मेरा ये हो जाएगा ये हो जाएगा। अब ये बचेगा कितना, तो 0.5 को सब्ट्रैक्ट करो कितना, अब ये कितना पार्ट रिएक्ट करेगा इसका, तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके स्टैचोमेट्री को इसके स्टैचोमेट्री से डिवाइड करके इनटू 0.2 कर देना है। बराबर, जहाँ तक बात समझ में आए आपको करना किस तरीके से, फिर से समझा रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक काम करना है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि इसका कितना पार्ट रिएक्ट करेगा, तो वो डिसाइड कौन करेगा, लिमिटिंग एजेंट। तो इसके थ्रू इसका कैसे निकालेंगे हम, तो पहले जिसका निकालना है उसका स्टैचोमेट्री ऊपर लिख दिया, किससे निकाल रहे, लिमिटिंग एजेंट से निकाल रहे, जिसके लिमिटिंग एजेंट का स्टैचोमेट्री 2 है इनटू 0.2। अब टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस विल बी योर मोल्स ऑफ एयर लेफ्ट। तो यहां तक चीजें समझ में आई, अब समझो बात को, क्योंकि ये रेशियो क्या है, 1:2 का है, तो 1/2 इंटू 0.2 मतलब 0.1 हो जाएगा, और 6/2 क्योंकि जिसका निकालना है इसका निकालना, इसका स्टैचोमेट्री ऊपर किससे निकालना, क्योंकि मेरे पास तो लिमिटिंग एजेंट ये है, लिमिटिंग एजेंट ये है, तो मैं इसी के हेल्प के थ्रू निकालूंगा, इसका मतलब 6/2 इंटू 0.2 तो दैट समथिंग बट 0.1 तो दैट समथिंग 0.6, मतलब वेट आप खुद निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा तो यहाँ पे 2Fe हो गया, सल्फर कितना हो जाएगा 4, तो ठीक है 3 और 8 11 11/2, तो इसको पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 600 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है 120, कितना होता है 120, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32, तो ये कितना हो जाएगा 15 25 राइट। ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब 5/4 और 11/25 कौन सा मेरा छोटा है, ऑब्वियसली बात है मेरा 4/5, सॉरी 4/5 मेरा ज्यादा छोटा वैल्यू है एज कम्पेयर टू 11/25 से, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बच रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, 25 सेम, अब कितना पार्ट रिएक्ट करेगा, इसका स्टैचोमेट्री को इसके स्टैचोमेट्री से डिवाइड करके इसके मोल से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास ईयर मोल्स के बच जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं क्योंकि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो 2/4 × 5 8/4 × 5, तो यहाँ तक हम ऐसे कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो किसका निकालना मुझे, इसके मोल्स निकालना है, क्योंकि किससे निकालोगे, जब दो आपको मैंने अभी बताया जब लिमिटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट आता है तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग एजेंट ही डिसाइड करता है, तो लिमिटिंग एजेंट का मोल्स कितना है मेरे पास 5 है, इसका निकालना है तो इसका स्टैचोमेट्री ऊपर, निकालना किससे, इससे निकालना तो इसका स्टैचोमेट्री नीचे, और इंटू इसके मोल से मल्टीप्लाई किया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे 8/4 × 5, तो ये कितना हो जाएगा मेरा जल्दी बताओ 5/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, अब इसमें देखो इसको आपको क्या करना, पहले रिएक्शन बैलेंस करना, तो 3 यहाँ पे कर दिया, ये 24 से डिवाइड किया तो ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और इसको 28 से डिवाइड किया ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 3/3 क्या आता 1 आता है, और 2/1 क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो लिमिटिंग एजेंट मेरा ये हो जाएगा, तो 2 माइनस मैं लिख देता हूँ 1/3 × 3, तो ये 1 बचेगा, ये कितना बचेगा 1:3, तो 1/3 × 3 मतलब, ये आपको मैं डायरेक्ट समझ में आ गया मैं आपको कैसे किया हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, ताकि और अच्छे से हमको समझ में आए चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58.8 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 58.8 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 58.8 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 इज रिएक्टिंग विद इज
with is reacting with 7.3 gram of HCl, 7.3 gram of HCl. HCl determine volume of Cl2 gas. Determine volume of Cl2 gas formed at STP. ठीक है, देखो अब क्योंकि एक्चुअली क्या ये डिफिकल्ट रिएक्शन है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बैलेंस रिएक्शन दे रहा हूँ. जनरली आपको थोड़ी देर जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो आपको रिएक्शन लिखने का भी आइडिया हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ कि K2Cr2O7 plus HCl. ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो दो तीन तरीका तो बता दे लो. ये क्या बनेगा, मेन तो KCl बनेगा. ठीक है, एक प्रोडक्ट आपको Cl2 बोल ही दिया, दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या बोल रहा है, Cr2O3 बन जाएगा, Cr2O3 बन जाएगा, सॉरी CrCl3 बन जाएगा, CrCl3 plus H2O. ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो तो 14 2 Cr Cl3 2 Cr Cl3 3 Cl2 और ये 7. तो डायरेक्ट मैं आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन दे रहा हूँ. ठीक है, अब उसने क्या बोला, 58.8 ग्राम को 294 से डिवाइड करो तो ये कितना आएगा, 1/50 आएगा मेरा, 1/50. और इसको 7.3 को मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 36.5 से, 36.5 से 7.3 ग्राम, तो ये भी कितना आएगा मेरे हिसाब से, 1/20, 1/5, और ये भी कितना है, 1/5. ठीक है, दोनों 1/5 आएंगे. दो बात है, मोल्स बराबर है लेकिन इनके स्टोइकोमेट्री बराबर नहीं है. तो जब 1/5 को 1 से डिवाइड करो तो 1/5 है, लेकिन 1/5 को 14 से डिवाइड करो तो 1/70 आ रहा है. इसका मतलब लिमिटिंग एजेंट मेरा HCl हो जाएगा. अब इसके मोल्स कितने बचेंगे, तो 1/5 टोटल था, सब्ट्रैक्ट करना कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे. तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट, इसके मोल्स की कितने रिएक्ट किए उसको निकालने का तरीका, इसका स्टोइकोमेट्री वन है, निकालना किससे, हमेशा लिमिटिंग एजेंट डिसाइड करेगा, तो 1/14 × 5. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मोल्स बचा हो, तो मतलब 1/5 − 5/14. तो जो भी होगा इसका वेट से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा तो Cl2, तो मैं डायरेक्ट Cl2 पे आ रहा हूँ. तो 3 इसका निकालना है मोल्स के कितना बना, इसका स्टोइकोमेट्री ऊपर, निकालना किससे, इससे निकालना कि लिमिटिंग एजेंट ये है, इनटू 5 मतलब 15/14. ठीक है, 15/14, 1/5, अच्छा सॉरी 1/5 है ना, 1/5 है, तो ये हो जाएगा 3/70. तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 कितना हो जाएगा, 3/70 × 22.4. तो ये देखो 366 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 0.96 लीटर आना चाहिए. कितना आना चाहिए, 0.56 लीटर. ठीक है, चलिए इसी बात हम एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन बोल रहा है इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड आयोडीन रिएक्ट विद ईच अदर, इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड आयोडीन रिएक्ट विथ ईच अदर, इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड आयोडीन रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म ZnI2 एंड फॉर्म ZnI2. कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट. ठीक है, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट. तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, कुछ नहीं करना है, Zn प्लस I2 क्या देगा, Zn I2. रिएक्शन बैलेंस है मेरा, रिएक्शन मेरा बिल्कुल बैलेंस है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं है. बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, देखो मैं मेरे से बोल रहा हूँ प्लीज वीडियो पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करने की क्वेश्चन करेगा, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए. इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड आयोडीन, मतलब
तो W इसका भी हो जाएगा, W इसका भी, क्योंकि वेट इक्वल दिया हुआ। अब इसको मोल्स में कन्वर्ट करो तो ये 65 हो जाएगा, ये 254 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 254, ये मोल्स आ गया। अब क्योंकि ये 1:1 का रेशियो था, अभी भी LR कौन सा होगा, मेरे हिसाब से अभी तो LR तो यही होगा, क्योंकि y / 254 ऑब्वियसली बात ये शॉर्टर वैल्यू होगी, ठीक है ना। अब मैं बात करूं ये LR हो गया तो मेरा क्या बचा, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, तो ये मेरा LR हो गया और ये मेरा ER हो गया, तो ये बचेगा कितना, तो W / 65 - W / 254, ये मेरा ER बचा। बट क्वेश्चन क्या पूछा मुझे, फ्रैक्शन पूछा, तो फ्रैक्शन ऑफ ईआर लेफ्ट इसका आप क्या करोगे, कुछ नहीं, वेट कितना बचा और आपने ओरिजिनल में वेट कितना लिया था, तो बचा कितना आपके पास W / 65 माइनस W / 254, ठीक है, और आपने ओरिजिनल में कितना लिया था W / 65, दिस और दिस 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 कैंसिल, तो मेरे हिसाब से 189 / 254, ये मेरे हिसाब से क्या आएगा, आंसर आएगा। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक तो देखो मैंने अच्छा खासे क्वेश्चंस करवा दिए, बट अगर आपको फिर भी डिफिकल्टी लगेगा और आपको और क्वेश्चन लगेगा कि सर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाइए लिमिटिंग रिएजेंट पे, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट एटलीस्ट आप मुझे बताइए कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ सर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। Now, next है हमारा sequential reaction, क्या है हमारा topic है, sequential reaction। अब देखो बात को sequential reaction से मतलब समझो, sequence में कोई चीज होना, मतलब जैसे आपने relay race देखा होगा कि मान लो चार लोग है, ठीक है, चार लोग की चार टीम दौड़ रही है, कितने लोग, एक टीम में चार लोग है, ठीक है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा रिले रेस में कि वो एक वो लेके भागते हैं, ठीक है, एक रिले होता है उसको लेके भागते हैं, ठीक है, हर टीम अपना रिले लेके भागती है, तो जैसे वो एक सर्कल कंप्लीट होता है तो दूसरे वाले को फिर थमाता, फिर दूसरे वाला कंप्लीट करने के बाद तीसरे वाले को, चौथे वाले को, जो फाइनली जो सबसे पहले लैप कंप्लीट करता है वो विनर होता है। मतलब वो एक सीक्वेंस में चलता है कि पहले वन पास करेगा, टू को टू पास करेगा, थ्री को पास करेगा, फोर, इस तरीके से, ठीक है। वैसे सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जिसमें मान लो पहले रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट होगा। फिर से समझना, पहला रिएक्शन का जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो दूसरे रिएक्शन का रिएक्टेंट होगा, और जब तक पहला रिएक्शन कंप्लीट होगा नहीं, मतलब जब तक वो पहले बनेगा नहीं तब तक सेकंड रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो इसका रिएक्टेंट है। तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट होगा वो तीसरे वाले का रिएक्टेंट होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा वो चौथे वाले का रिएक्टेंट। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज क्या होता है, रिएक्शन मेरा चलते रहता है, और इसे तो हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं होती हमें, हमें बस क्या रहता है, या तो आप ऊपर से नीचे सीढ़ी चढ़ो या नीचे से ऊपर आओ, सीढ़ी चढ़ना है। अगर पहला वाला देगा तो लास्ट वाला पूछेगा, लास्ट वाला दिया तो पहला वाला, तो आप वो डोंट वरी, आपको अगर नहीं भी समझ आया तो क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आया, तो पहले मैं लिख देता हूं, इन sequential reaction more than one reaction are running in sequence and at least one substance will be and at least one substance will be at least one substance will be common in between two reaction will be common in between two reaction, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉर्मली इन sequential
नॉर्मली इन सिक्वेंशियल रिएक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज इंफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज गिवन एंड आस्क्ड अबाउट सेकंड आस्क अबाउट सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेकंड प्रेजेंट इन सेकंड रिएक्शन रिएक्शन को मैं RSN फॉर्म में लिखता हूं तो आप भी लिख सकते हो, देयर नो इशू। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको समझाता हूं मैं, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो 2a प्लस 3b टेंस टू गिव 5c। ठीक है, 4c प्लस 7d, 4c प्लस 7d टेंस टू गिव 9e प्लस 6f, 9e प्लस 6f, 9e प्लस 6f 3f प्लस 4g, 3f प्लस 4g टेंस टू गिव 8h, टेंस टू गिव 8h। समझो बात को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ h, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एच, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एच विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 5 moles ऑफ ए एंड 10 moles ऑफ which can be produced by 5 moles of A and 10 moles of B। समझो बात को, अब यहाँ पे क्वेश्चन करना कैसे है, यहाँ पे आपको 5 मोल दिया, यहाँ पे आपको 10 मोल दिया और आपको पूछा ये है, तो उल्टा भी हो सकता है, हो सकता था H को देख के बोल देते थे A, A या B में से कौन, कोई से भी किसी के बारे में पूछ सकता था। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होंगी, बात समझना बिल्कुल ध्यान से। अब आपको करना क्या होगा 5 और 10 में से, तो पहले आप ये डिसाइड करिए कि दोनों में से लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा, तो उसका सिंपल सा तरीका 10 को डिवाइड करिए 3 से और 5 को डिवाइड करिए 2 से, तो 5 को डिवाइड करें 2 से तो कितना आता है 2.5 और 10 को 3 से डिवाइड करो 3.3 समथिंग हो जाता है, तो ऑब्वियस बात है ये लिमिटिंग एजेंट होगा ये। तो मुझे अब इसमें क्या है, बी वगैरह से मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब ये है कि कॉमन क्या है, तो इन दोनों रिएक्शन में सी कॉमन है, इन दोनों रिएक्शन में एफ कॉमन है, और आप F से क्या निकालना है H, तो पहले A से C जाना है आपको, फिर C से F जाना है और F से H जाना, बाकी से मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कितना प्रेजेंट है या नहीं है, बात समझ में आई। तो समझो अब यहाँ पे ये 5 है और इसका मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सिंपल, इसका स्टोइकोमेट्री ऊपर, इसका स्टोइकोमेट्री नीचे इनटू 5, तो 25/2 मेरे पास क्या आया C, तो यही C यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा 25/2। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, F निकालना है, तो इसका स्टोइकोमेट्री ऊपर निकालना है किससे, इससे, तो 6/4 इनटू 25/2। अब आप बोलोगे सर ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस मान के चलो, ठीक है नहीं दिया हुआ तो ये मान के चलो कि सारे रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 मतलब 75/4, तो इतना ही प्रेजेंट यहां पे होगा 75/4, तो यहां पे कितना होगा 8, इसका स्टोइकोमेट्री नीचे 75/4, तो ये 25 और ये 2 मतलब कितने फॉर्म होंगे 50 मोल्स ऑफ एच फॉर्म होंगे, कितने मोल्स फॉर्म होंगे 50 मोल्स ऑफ एच। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पे हम अच्छा सा, ठीक है यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बोला कैलकुलेट वेट ऑफ पॉली इथिलीन, कैलकुलेट weight of polyethylene, calculate weight of polyethylene which can be produced by, which can be produced by 1 kg of calcium carbide। ठीक है, अब इसका रिएक्शन मैं दे दे रहा हूं, ठीक है C
CaC2 प्लस H2O के साथ रिएक्ट कर तो ये आपको देता है CaOH twice प्लस C2H2O। अब C2H2 क्या करेगा, फिर से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या देता है CH4 C2H4। ठीक है, और अगेन आप क्या करोगे C2H4 का आप क्या कर दोगे पॉलीमराइजेशन कर दोगे तो ये क्या देगा C2H4 एंड ये क्या होता है पॉली इथाइलिन होता है। क्या होता है पॉली इथाइलिन। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आया C2H4N। ठीक है, अब आपको दूसरा दिया इन्फॉर्मेशन किसके बारे में कैल्शियम कार्बाइड, मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा ध्यान से समझो, इसका 1000 ग्राम वेट दिया हुआ डिवाइडेड बाय 64 रिएक्शन बैलेंस देख लो। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से ये कॉमन है। ठीक है, तो मैं इससे निकालूंगा डायरेक्ट इसका, तो ये भी कितना हो जाएगा 1000 बाय 64 क्योंकि 1:1 का रेशियो, यहाँ पे भी कितना होगा 1000 बाय 64। ठीक है, अब यहाँ से आपको यहाँ जाना है क्योंकि इन दोनों में से एक कॉमन क्या है ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1000 बाय 64। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितना होगा 1000 बाय 64। उसने क्या बोला, अब ये इतना है तो 1000 बाय 64 1/N। कैसे, क्योंकि इसका कोफिशियंट 1 निकालना किससे से, तो इसका कोफिशियंट n इनटू 1000 बाय 64 क्योंकि ये क्या है बेटा ये मोल्स है। फिर से नहीं समझ में आया तो समझो, समझा रहा हूं मैं। इसका स्टोइकोमेट्री 1 ऊपर, इसका स्टोइकोमेट्री n नीचे और इनटू इसके मोल, तो 1000 बाय 64। लेकिन ये क्या है मेरा मोल्स है। ठीक है, वेट से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 × 24 = 28 कितने 28 कैसे n n टाइम्स 28 होगा ना, तो ये n क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो 7000 बाय 16 ग्राम क्या बनेगा मेरा पॉलीथिलीन बनेगा, जो पॉलीथिनम जो बोलते हैं ना वो वही वाला रिएक्शन है ये। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी बेटा, तो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ PO सॉरी सिक्वेंसर रिएक्शन। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो बात करते हैं हम उसकी बात करेंगे हम POAC की, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। क्या है मेरा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ओके। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। POAC इसका शॉर्ट फॉर्म, प्रिंसिपल का P, ऑफ का O, एटॉमिक का A और कंजर्वेशन का C, ये शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं POAC। बेसिकली POAC में आपको देखो मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था फास्फोरस वाला, याद है, जिसमें हम क्या करते थे एटम को बैलेंस करके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे, एक जो याद है हमें उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, इक्वेशन बनाना सिखाया था। तो सेम चीज मैं आपको यहां डिटेल में समझा रहा हूं, तो मैं पहले लिख देता हूं POAC एक्चुअली होता है क्या है, लिख देता हूं POAC POAC is based upon conservation of mass, conservation of mass, that is conservation of atom, that is conservation of conservation of atom and according to it and according to it atoms can neither be created nor destroyed, atoms can neither be created nor destroyed, it can only be converted from one form to another form। POC क्या होता है, POC कुछ नहीं conservation of atom के ऊपर depend रहता है, इस कहता क्या है कि atom को ना तो हम create कर सकते ना destroy कर सकते, it transform from one form to
अनदर फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये तो स्टेटमेंट है, एक्चुअल में इसका यूज क्या है तो वो भी सुन लो। तो एक्चुअल में इसका यूज है POAC इज एप्लीकेबल टू दोस प्रॉब्लम इन विच एप्लीकेबल टू दोस प्रॉब्लम इन विच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल और इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल टू बैलेंस इम्पॉसिबल टू बैलेंस, ठीक है। इम्पॉसिबल टू बैलेंस उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा जिसमें कभी भी हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको और ये याद रखना है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ POAC इज एप्लीकेबल, ठीक है। अब डिपेंड करता भैया किस एटम पे लगाना है, ये भी तो जरूरी है ना। ये तो समझ में आ गया भैया प्रॉब्लम किस टाइप के प्रॉब्लम में लगाना है, लेकिन अगर मुझे ये पता चल गया कि किस एटम पे लगाना, तो ये भी तो हमें सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि एटम तो बहुत सारे होते हैं रिएक्शन में, तो सब पे थोड़ी ना हम POAC अप्लाई करेंगे, नहीं सिर्फ उसी पे अप्लाई करेंगे जिसमें मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। तो क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ POAC एप्लीकेबल ऑन दैट एटम विच इज कंप्लीटली कंज्यूम केबल ऑन दैट एटम विच इज कंप्लीटली which is completely consumed during the course of reaction during the during the course of reaction and information about that atom information about that atom and information about that atom will be directly or indirectly given will be directly or indirectly given in the will be directly or indirectly given in the problem, ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई, किस पे अप्लाई करना, उस एटम पे अप्लाई करना, या तो वो कंप्लीटली कंज्यूम होगा और या तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, POAC को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं काम कर रहा हूं, मैं आपको एक बैंड आखिर इसका इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं कि इसका इक्वेशन लिखते किस तरह से। तो H2S प्लस HNO3 tends to give NO plus sulfur plus H2O। देखो हालांकि तो आप इसको इजीली बैलेंस कर सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आपको पहले इक्वेशन निकालना सीखना पड़ेगा कि आखिर इसकी इक्वेशन बनती कैसे। तो पहले आपको हर एटम के लिए निकालना सीखना पड़ेगा। सपोज करो POAC अप्लाइड ऑन, ठीक है। तो पहला मैं दे रहा हूं, सपोज करो सल्फर एटम, किसके ऊपर अप्लाई करना, सल्फर एटम के ऊपर POAC अप्लाई करना। तो कुछ नहीं, आपको सल्फर का लेफ्ट हैंड साइड में कहां दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है। तो कुछ मत करो, इसका इसमें सल्फर के नंबर एटम कितने, 1 है, इनटू मोल्स ऑफ H2S कर दो, ठीक है। बराबर राइट हैंड साइड में कितना सल्फर, एक ही है, इनटू मोल्स ऑफ सल्फर। तो ये सल्फर एटम का हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चलो सेकंड वाले पर अगर हम बात करें, सपोज करो आपको हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करना है, किसके लिए अप्लाई करना, हाइड्रोजन। तो पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कहां का दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है। तो एक यहां पे दिख रहा है, तो यहां पे हाइड्रोजन कितने, 2 एटम है, और इनटू मोल्स ऑफ H2S कर दो। यहां पे हाइड्रोजन कितना है, प्लस 1 है, 1 इनटू मोल्स ऑफ HNO3, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखो, अब यहां पे हाइड्रोजन कहां दिख रहा है आपको, सिर्फ वाटर में, तो 2 इनटू मोल्स ऑफ H2O। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन पर मैं कैसे अप्लाई किया। तीसरा फैक्ट देखो, अगर मैं बात करूं, सपोज करो नाइट्रोजन के अप्लाई करना, नाइट्रोजन एटम के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन एटम के लिए अप्लाई करना है
तो सिर्फ यहीं पे दिख रहा है, तो वन इंटू मोल्स ऑफ एच एन ओ थ्री और इक्वल टू क्या होगा, वन इंटू मोल्स ऑफ एनओ। ठीक है, इस तरीके से हम बाकी सब पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो एक लास्ट में ऑक्सीजन पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ऑक्सीजन एटम के लिए पीओसी का इक्वेशन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ दिख रहा है, तो थ्री इंटू कितने ऑक्सीजन एटम है, थ्री है, इंटू मोल्स ऑफ एच एन ओ थ्री, क्योंकि आप ये ऑक्सीजन एच एन ओ थ्री से कंसिडर कर रहे हो ना। तो समझो अगर थ्री, अगर एन मोल्स एच एन ओ थ्री क्या, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, थ्री मोल्स होंगे, तो उतने ही एटम भी होंगे, तो एन एन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो बचेगा क्या आपके पास, थ्री इंटू एच एन ओ थ्री बचेगा, थ्री इंटू मोल्स ऑफ एच एन ओ थ्री, ठीक है, इंटू बराबर क्या होगा मोल्स, आपको नाइट्रोजन कहाँ दिख रहा है, तो वन इंटू मोल्स ऑफ एन ओ। तो यहाँ तक चीजें क्लियर समझ में आई आपको, ठीक है। नाउ अगेन हमारा ये चीजें खत्म हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ ताकि आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। ठीक है, अगर मेरा पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये है कि वन ग्राम ऑफ कैल्शियम इज बर्न इन ऑक्सेस, इज बर्न इन एक्सेस, इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइन वेट ऑफ सीए फॉर्म, डिटरमाइन वेट ऑफ CaO, डिटरमाइन वेट ऑफ CaO फॉर्म। तो कुछ नहीं, रिएक्शन पहले लिखिए, कैल्शियम प्लस O2 क्या होगा, CaO, तो यहाँ पे भी 2 कर दिया, यहाँ पे भी 2 कर दिया, ठीक है। हालांकि इसको करने की जरूरत नहीं है, देखो POC में सबसे बड़ी खासियत क्या है, आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू भी बना सकता हूँ, रिएक्शन को बैलेंस करके स्टोइकोमेट्री मेथड से बना सकता हूँ, अब मैं इसको POC से भी बना सकता हूँ। तो POC को कैसे करना है, अब आप पहले डिसाइड करो। देखो यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि POC लगा सकते हैं, इस टाइप के रिएक्शन में भी हम POC लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट मेजरली हम कब लगाते हैं, मेजरली हम तब लगाते हैं जब रिएक्शन को इम्पॉसिबल होता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, पहले तो ये पहचानो कि आपको POC अप्लाई किसके पर करना है। तो ऑब्वियस बात है, पहले तो ढूंढो कि या तो कंज्यूम हो रहा होगा, तो कंज्यूम कौन सा हो रहा है, ऑब्वियस बात है कैल्शियम कंज्यूम हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक्सेस में है, बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑब्वियस बात है कैल्शियम पे बर्न, कैल्शियम बर्न हुआ होगा, मतलब कैल्शियम पहले खत्म हो गया होगा क्योंकि ऑक्सीजन तो एक्सेस में है। दूसरी बात, अब ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली दिया क्योंकि आपने ये बात माना है कि कैल्शियम खत्म हो चुका है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कैल्शियम के बारे में, तो इनडायरेक्टली खत्म भी हो रहा है क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम कभी ना कभी तो खत्म होगा, ठीक है। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, तो अप्लाइंग पीओएसी इन ऑफ कैल्शियम, तो कुछ नहीं, मोल्स ऑफ सीए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन इंटू मोल्स ऑफ सीए इंटू वन इंटू मोल्स ऑफ सीएओ। मुझे वेट पूछा है, तो वेट पूछा है तो मतलब मोल्स ऑफ सीए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखो तो 1/40 इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय 56, तो डब्ल्यू बराबर कितना होगा 56/40, तो दैट्स नथिंग बट 1.4। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा, ठीक है। नाउ अगर एक और क्वेश्चन करें हम, तो आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 इज ट्रीटेड विद सीरीज ऑफ रिएजेंट, इज ट्रीटेड विद सीरीज ऑफ रिएजेंट so as to convert all its carbon into K2Zn3FeCl6+O2, ठीक है।
क्वेश्चन क्या बोला कि 27.2 ग्राम K2Cl3 लिया और उसको सीरीज ऑफ रिएजेंट से करवाया, ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या बना, ये बना, मतलब K2, समझो बात को, अगर मैं रिएक्शन को लिखूं तो समझो K2CO3 किस में कन्वर्ट हुआ, K2Zn3FeCN6 का होल ट्वाइस। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही कंफ्यूज, सर ये रिएक्शन आ कैसे गया, हमें तो पता ही नहीं है। सिंपल सा बात है, उसने क्या बोला, सीरीज ऑफ रिएजेंट यूज किया, उसने कहीं ऐसा रिएजेंट यूज किया होगा तो कार्बन कार्बन कार्बोनेट साइनाइड में कन्वर्ट हो गया, कुछ ऐसा रिएजेंट यूज किया होगा कि फर्दर रिएक्शन में कि जिंक भी जुड़ गया, तो इस तरीके से ऐसा बहुत सारे रिएक्शन करते करते फाइनल प्रोडक्ट उसने ही दिया। क्या आप इसको बैलेंस कर सकते हो क्या? नो, इट इज इम्पॉसिबल टू बैलेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम POC अप्लाई करें। अब आपको बात यहाँ पे देखो, पहला कॉन्सेप्ट है कि POC तो इसमें अप्लाई होगा 110%, लेकिन किस एटम पे अप्लाई होगा, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, क्वेश्चन में कोई ना कोई एटम को जरूर जिक्र किया हो, कौन सा एटम है, कार्बन के बारे में जिक्र किया है, तो कार्बन पे ही हम अप्लाई करेंगे, सी एटम पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कितना मोल, 1 × मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे कितना कार्बन है, 6 × 2 12 12 × मोल्स ऑफ K2Zn3FeCN6 का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ से मैंने ला दिया है, अब आपकी बारी है, अब आपने से कन्वर्ट करनी है, बट मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना है, 27.6 डिवाइडेड बाय इसका जो है 138 है, और किसके बराबर दिया, 12 × W बाय इसका वेट मुझे निकालना था, ठीक है, रिएजेंट सॉरी रिएक्शन पूरा लिखा है नहीं, कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सॉरी कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी माइनस से मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, तो ये वेट ऑफ प्रोडक्ट मुझे निकालना है, इसका मोलर मास अप्रोक्सीमेटली 697 आता है, तो यहाँ से आप जब इस इक्वेशन को 6 सॉल्व करिएगा तो 697/60 ग्राम क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, POC अप्लाई कर सकते किसी पे भी क्वेश्चन पे, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट यही है, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मतलब व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिएगा कि आपको और क्वेश्चन चाहिए, तो फर्दर लेक्चर में और क्वेश्चन POEC के ऐड करूँ, ताकि और आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।